La 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 la. ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. सो गाइस कैसे हैं आप सभी. आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की वीडियो जो कि गाइस अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा प्रीव्यू में. तो गाइस मैं आप सभी को इसी टाइप की वीडियो आज सिखाऊंगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हो. एंड गाइस जैसे कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो गाइस आप लोग भी मतलब कि ऐसी मतलब वीडियोज को एडिट करना चाहते होंगे तभी आपने वीडियो पर क्लिक किया है. तो बस गाइस आप लोगों को एक ही चीज करना है, आप लोगों को बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है. बाकी गाइस जिसकी गारंटी मिले तो आप लोगों को जो है वीडियो एकदम कंप्लीट एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगी. एंड आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, बाकी सबकी गारंटी मिले तो. एंड बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना. और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो. बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते. सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जहाँ पे VN एप्लीकेशन को पहले ओपन करना है, ठीक है. एंड VN एप्लीकेशन जो है जिस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है, ठीक है. तो आप इसको ओपन कर लेना, अदरवाइज अगर आपके पास कोई और ऐप है तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे हम जाएंगे गाइस प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से जो है अपनी हम सारी फोटोज़ को यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है. मतलब जितनी फोटोज़ मतलब म्यूजिक के हिसाब से ऐड करनी है, ठीक है. तो आप लोग जो है पहले स्टार्टिंग में 10-12 फोटोज़ ऐड कर लेना, अगर कम पड़ती तो आप उसके बाद जगह ऐड कर लेना, ठीक है. तो यहाँ पे मैं पहले फटाफट फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ मुझे जो जो यहाँ पे लगानी है. तो गाइस मैं अलग अलग फोटोज़ लूँगा क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे मतलब कि एक प्रैक्टिकल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ. तो गाइस आप लोग मतलब कि आप अपने हिसाब से देखना, आप अपनी ढंग ढंग की फोटोज़ को यहाँ पे ऐड करना, ठीक है, अच्छी अच्छी. जबकि गाइस अगर कोई व्यूअर आपकी फोटोज़ को देखे तो गाइस उसे अच्छा लगे एंड वो आपकी वीडियो को जो है लाइक करे, ठीक है. तो मैं इसको पहले यहाँ पे फटाफट ऐड कर लेता हूँ फोटोज को. सो गाइस हमने जो यहाँ पे फोटोज़ को ऐड कर लिया है, बट गाइस देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस अभी म्यूजिक भी ऐड करना है, ठीक है. तो म्यूजिक के ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा. सो गाइस यहाँ पे आपको म्यूजिक ऐसे ऐड नहीं करना, आपको उसको पहले यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है. तो हमें ये जो तरीका बताया ये वाला कट कर देना, इसको स्किप करना. आपको देखिएगा यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन देखिए, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है. फिर उसके बाद गाइस आपको साइड में प्लस का आइकन देखिए, आपको उस पर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वीडियो को ओपन कर देना है. देन यहाँ से जो आपकी वीडियोज़ है ये वाली वीडियो की लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है. तो ये वाली वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना. फिर आपको जो है इसको यहाँ पे राइट पे क्लिक करके एंड जो म्यूजिक का आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है. म्यूजिक ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको म्यूजिक को सुनना है, ठीक है. पहले म्यूजिक को सुनना है कि मतलब कि लिरिक्स है गाइस कहाँ पे आ रही है, ठीक है. जो जो मतलब कि ट्यून होगी ना गाइस आपके मतलब कि जहाँ पे बीप आ रहा होगा गाइस वहाँ वहाँ पे आपको जो है फोटोज़ को मतलब कि वहाँ पे छोटा कर करके लगाना, जैसे गाइस आप स्क्रीन में देख सकते हो. एंड गाइस मैं म्यूजिक आप लोगों को सुना नहीं सकता क्योंकि गाइस पता ना यार आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम कर कितना चक्कर है यार. मतलब भाई चैनल बिल्कुल एकदम खत्म ही हो जाता है यार यूट्यूब पे आप मतलब यार क्लेम के मतलब कि स्ट्राइक के वजह से. तो गाइस मैं मतलब म्यूजिक नहीं सुना सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस आप लोगों से. बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो एंड आपको समझना है, ठीक है. यहाँ पे अब देखिएगा जैसे कि मैंने दूसरी फोटो को यहाँ पे छोटा किया, ठीक है. तो अब यहाँ पे म्यूजिक के हिसाब से मैं गाइस देखिए फोटोज़ को मैं यहाँ पे छोटा करूँगा. अब जैसे गाइस देखिए मेरा जो बीप अब यहाँ पे आ रहा है तो गाइस मैं इसको इतना यहाँ पे रख लेता हूँ एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है. बट गाइस अभी देखिए यहाँ पे जो है मैंने अभी कोई इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया, अभी मैं यहाँ पे सिंपली मतलब कि लेयर्स को अभी मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे इफेक्ट भी लगाएंगे तो इफेक्ट वाला पार्ट भी देखना आप लोग, ठीक है. कहीं ये मत सोचना कि यहीं पर हमारी वीडियो एडिट हो जाएगी, अभी बहुत काम है हमारी वीडियो में. तो अभी देखिए गाइस यहाँ पे हमने इस फोटो को छोटा किया, अब यहाँ पे ये आता है हमारी फोटो एंड यहाँ पे थोड़ी सी बीप जो है लंबी चलेगी तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इतना. अब देखिए गाइस यहाँ से मैं इसको चलाता हूँ एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट. अब गाइस अब आ रही आती है इस वाली फोटो की, तो अब इसकी जो साउंड है मतलब मैं इसको मतलब कि जो लेयर है मैं इसको इतनी छोटी कर दूंगा एंड इस वाली को भी मैं इतनी छोटी कर दूंगा एंड इसके बाद जो ये वाली लेयर है मैं इसको मैं थोड़ी सी बड़ी रखनी है, ठीक है. तो अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं एंड एकदम परफेक्ट, ठीक है गाइस. तो यहाँ पे इतना हो जाता है. अब आती है बारी हमारी इस वाली लेयर की. सो इसको भी हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है. तो अब इस वाली लेयर को जो हम यहाँ पे ज़्यादा छोटी हाँ इसको अब इसको हम यहाँ पे इतनी कर लेते हैं. अब जो ये वाली लेयर है इसको हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इतना करते हैं. अब इसके बाद जो आती है हमारी ये वाली लेयर, अब इसको जो है हम यहाँ पे इतना रखेंगे, ठीक है. तो मतलब गाइस आप लोग देखिए मतलब कहीं कहीं पे ट्यून जो है ना थोड़ी लंबी चलती है, तो वहाँ पे जहाँ पे ट्यून लंबी चलेगी वहाँ पे जो है आप सभी को जो है फोटोज़ को जो आपको वहाँ पे लेयर जो उसकी बड़ी रखनी है, ठीक है. एंड जहाँ पे मतलब ट्यून छोटी चलेगी वहाँ पे आपको जो छोटी ट्यून मतलब फोटो की जो लेयर है वो छोटी कर देनी है, ठीक है. तो यहाँ पे गाइस देखिए अभी जो फोटोज़ कम पड़ गई हैं, तो जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि फोटोज़ कम पड़ जाएंगे तो बाद में आप जाकर उसको ऐड कर लेना. तो मैं आप इसको फटाफट से ऐड कर लेता हूँ फोटोज़ को. सो गाइस यहाँ पे मैंने फोटोज़ जो यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को मैं पहले चला के चेक कर लेता हूँ कि मतलब यहाँ पे परफेक्ट है कि नहीं. हाँ यहाँ पे इतना परफेक्ट है.
ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद देखिएगा जो मैंने फोटोज को भी यहाँ पे ऐड किया, अब इनकी बारी आती है। तो अब इनको जो है यहाँ पे आप म्यूजिक को सुनेंगे दोबारा, एंड जो म्यूजिक है गाइस कुछ इस टाइप से हमारे जो बीप है वो गाइस यहाँ पे खत्म हो रही है। तो अब मैं जो है इसकी लेयर को जो है मैं यहाँ पे खत्म हो रही है, तो मैं इसकी लेयर जो है मैं यहीं तक कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब गाइस जहाँ पे आपको लगे ना बीप यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रही है, तो आपको जो है कर्सल वहीं पे रख देना, एंड कर्सल को वहाँ पे रखने के बाद जो है लेयर को जो है उस कर्सल के पास ले जाकर आपको छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड देखिए गाइस थोड़ी सी यहाँ पे चला के मैं देखता हूँ वीडियो को कि तो कैसी लग रही है। सो यहाँ पे गाइस देखिए एकदम म्यूजिक के हिसाब से एकदम सेट हो चुकी है मेरी यहाँ पे, तो यहाँ तक, ठीक है। तो अब बाकी की जो आगे पीछे की लेयर है अब इनको हम सेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे इसको रखते हैं, एंड जो ये वाली लेयर है मेरी इसको लेते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए ये वाली लेयर है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब म्यूजिक जो है यहाँ पे इस तरह स्टार्ट हो गया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वाली जो लेयर है इसको भी हम यहाँ पे इतना रख लेंगे बस। तो गाइस आपको ना कर्सल का ध्यान रखना है, जहाँ पे म्यूजिक खत्म होगा आपको कर्सल को वहीं पर रोक देना है, एंड उसके बाद जो लेयर को वहीं से आपको उतनी साइज में रख देना है, ठीक है। तो जैसे गाइस देखिए अब ये वाली जो है मेरी म्यूजिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड ये यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इसका कर्सल जो है एक बार और सुन लेते हैं यहाँ पे, इतना यहाँ पे हो रहा है तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाने के बाद अब बारी आती है हमारी इस वाली लेयर की, ठीक है। तो अब इसको जो हम यहाँ पे इतना रख लेते हैं, एंड उसके बाद अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मतलब गाइस स्टार्टिंग की जो वीडियो मतलब स्टार्टिंग में जो ट्यून है ना गाइस वो आप मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पे वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है पीछे से जैसा आप सुनोगे ना गाइस वैसे ही आपको सेम आगे भी थोड़ा मतलब कि हल्के हल्के चेंजेस करने हैं, बाकी वॉइस जो है ना पूरी मतलब सेम ही है मतलब लगभग देखा जाए तो, ठीक है। मतलब बीच में तो यार हल्का फुल्का चेंज है, ठीक है। तो आपको जो है आपको उस वॉइस के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है फोटोज़ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसकी लेयर को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद जो पूरा गाना वाना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बारी तो मतलब इसकी जो है लेयर की जो लेंथ है ना उसको आपको लंबी कर लेनी, ताकि जो मतलब आप इसमें इफेक्ट डालेंगे ना तो गाइस इफेक्ट डालने में ईजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ जो हम इसको लंबी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब गाइस देखिए अब यहाँ पे हमने इसको लेंथ को जो लंबी कर लिया, अब देखिए गाइस इसमें जो हमें डालनी है इफेक्ट, ठीक है। तो कौन सा इफेक्ट डालना है आपको जाना है सिंपली यहाँ पे नीचे जो आपको साइड में दिख रहा है एफएक्स वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, फिर आपको पहले तो लेयर सेलेक्ट करनी है, फिर आपको एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे गाइस क्या है एकदम एंड में जाना है, ठीक है। एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद जो है आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं डन करता हूँ। अब गाइस यही चीज़ ना आपको सारी फोटोज़ में डालनी है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट डालता हूँ एंड आपको मैं बता दिखाता हूँ फिर वीडियो कैसी बनी हमारी। सो जैसे कि गाइस देखिए हमने यहाँ पे सारी इफेक्ट जो है हमने इसमें ऐड कर दिया, एंड गाइस म्यूजिक के साथ एकदम हमारी वीडियो जो एकदम झक्कास एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।